हाय एवरीवन दिस इज अनम वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो कि है बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर योर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2022 एंड 2023 सो so, मैं आपको बता आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके बी एच से रिलेटेड है सो so, मैं आपको बता दू आज आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है तो उसके लिए ये एक रिमाइंड वीडियो है आपके लिए एक रिमाइंडर है आप जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी ट्वेंटी फिफ्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू को आपका बी एच रीड का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है यानी आपके पास लेस देन मंथ रिमेनिंग है प्रिपेरेशन के लिए तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और हमारा जो सक्सेस रेट है जिस तरीके से हमारे बैच में जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे हमारे उनको कितने क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से पूछे गए थे उनका मैंने आ, आपको स्क्रीनशॉट भी रखा स्क्रीन शॉट भी आप देख सकते हो वहां पर आप उनके फीडबैक्स देख सकते हो जिससे कि आपको झूठ ना लगे कोई हमारी बात आपको लगे कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ये आज के इस वीडियो का हमारा फोकस होगा कि प्रिपेरेशन किस तरीके से होंगी नेक्स्ट डेट्स को रिलेटेड हम आपको डेट्स याद रखनी है जो इमोट इंपोर्टेंट डेट्स है उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं कि, कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ये सारी चीजें जैसे कि आपको पता है आपके बी एच यू रीड का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आपका जो बी एच यू यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है जो पी एच डी में प्रोग्राम में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना होता है उसका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ उसके पहले भी टोटल हंड्रेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जिसमें से आपके जो फोर्टी क्वेश्चन होते हैं आपके फोर्टी क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड होंगे आपको याद रखना है फोर्टी क्वेश्चन आपके फोर्टी क्वेश्चनॉजी से रिलेटेड होते हैं और जो रिमेनिंग 60 60 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जो जिसमें भी आप पी एच डी कर रहे हो कोई इंग्लिश में करता है कोई हिंदी कोई जोग्राफी हिस्ट्री वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सेशन होता है जिसमें आपको सिक्सटी एमसीके पूछे जाते हैं जो फर्स्ट आपका पार्ट होता है इसमें आपको फोर्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड होता है जैसे कि मैंने आपको बता दी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर्स हमारे थियोरी प्लस वीडियो लेक्चर से क्योंकि पहले तो हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते थे लेकिन स्टूडेंट्स के आ, हमें रिक्वेस्ट पर हमने थ्योरी थ्योरी लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम जिसमें पहले हम आपके को को बिल्ड करवाते हैं किस तरीके से आपको सारे concepts को याद रखना है देन हम एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यूज के थ्रू हम आपको ट्रिक्स बताते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस तरीके से अगर आ, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको तो किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट डोनेट कर सकते हो ये सारी चीजें सारी ट्रिक्स हम हमारे एमसीक्यूज़ वीडियो लेक्चर्स में आपको बताते हैं देन मॉकटेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है मॉकटेस आपको टेन मॉकटेस हम प्रोवाइड करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी पर और हर एक मॉकटेस में 40 क्वेश्चंस है तो आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है देन मैं आपको बता दू

कुछ 2018 के भी क्वेश्चन है यहाँ पर आ, मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो आपको याद रखना है 2019, 2018, 2017 के भी कुछ क्वेश्चन है 2016 के भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बी एच यू रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इस पीडीएफ में हमने कवर कर रखे हैं देन नोट्स नोट्स में हमने याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रिसाइज वे में हर एक टॉपिक्स को हमने हमारे नोट्स में कवर कर रखा है और याद रखना है इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वो क्वेश्चंस उस क्वेश्चंस को और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर, कर हमारे नोट्स में आपको बता रखा है तो अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की इतनी प्रेपरेशन करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इस कंटेंट से आप 30 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि 40 में से अगर आप देखते हो तो 35 तो हमारे इसी कंटेंट से होते हैं कुछ क्वेश्चन जो है इसको एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछता है जिससे कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है अगर आप देखोगे तो फोर्टी में से ऑलमोस्ट थर्टी फाइव जो क्वेश्चन आते हैं हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में तो याद रखना है हम कंटेंट के साथ साथ हम आपको गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं कि 40 में से 35 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे तो याद रखना है अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको चाहिए कि आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाओ तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज करना है तो याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही इस नंबर पर हमें मैसेज करना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगता है आपको पहले व्हाट्सएप ही करना होगा और आप इस ऐप के थ्रू हमारे इस स्टडी मटेरियल को इस रिसर्च मेथोलॉजी के कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने यहां पर आपको बता दिया ये हमारा डिटेल में मैंने यहाँ आप पर आपको कंटेंट अच्छे तरीके से आ, बता दी हूँ जैसे जिस, कि वीडियो लेक्चर्स हैं मॉक टेस्ट है, है नोट है और रिविजन की है। तो ये सारी हम आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश तो आपको दोनों लैंग्वेज में हमारा एक कंटेंट देखने मिलेगा तो याद रखना है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आपका जो पेपर आता है आपको जो बी एच रीड का एग्जाम होता है ये दोनों ही लैंग्वेज में होता है बाय

थर्टी फाइव क्वेश्चन हमारे इस कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस नंबर पर आपको जल्द से जल्द हमें मैसेज करना है जैसे कि नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज है और ये जो रिव्यूज है ये ये वाले जो रिव्यूज है ये तो यूट्यूब के रिव्यूज है तो इसलिए यहाँ पर हमने नेम्स को हाइड नहीं कर रखा है देखिए जैसे कि यहाँ पर रश्मि एक स्टूडेंट है जिनका हमें फीडबैक आया है कि जो फर्स्ट पेपर है इन्होंने लिखा है मैम आपके कोर्स से ही फर्स्ट पेपर आता है फर्स्ट पेपर यानी रिसर्च मेट्रोलॉजी का पेपर जो है ये हमारे ही कंटेंट से आता है कम्प्लीटली ये स्टूडेंट्स का फीडबैक है जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस स्टूडेंट का देखते हो तो स्टूडेंट ने ये रिप्लाई करा है कि मैम इनका जो PhD entrance examination था, इन्होंने हमारे सिर्फ दो तीन वीडियोस देखा और उसी से ही काफी questions इन्होंने गेस कर पाया और इन्होंने करेक्ट कर करा पाया और ये जो है ये है, एक व्हाट्सअप मैसेज है यहाँ पर मैंने नंबर को हाइड कर रखा है हम नंबर शो नहीं कर सकते लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया कि उनको ट्वेंटी नाइन डायरेक्टली क्वेश्चन वही आए थे जो उन्होंने पढ़ा था हमारे कंटेंट से तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बहुत रिव्यूज है लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बताने की कोशिश करी हूँ जैसे कि आप रिव्यूज भी देख रहे हो डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाते हैं ये तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं और यहाँ पर आज हमने आपको स्टूडेंट्स का रिव्यूज भी दिखा दिया है क्योंकि दो तीन स्टूडेंट्स का ही दिखाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज भी है अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो हम आपको ग्रुप में एड करते हैं और उससे आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टूडेंट्स प्रेपरेशन uh, करते हैं हम वहां पर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करने कितना टाइम आपको फोकस रहना है कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है ये सारी चीजें हम आपको बताते रहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सारा हमारा कंटेंट बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मॉक्टर्स के थ्रू नोट्स के थ्रू हमारे नोट्स भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स है और ये इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमारे नोट्स देन रिवीजन पीडीएफ जिसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको रिसर्च मेथोलॉजी की हमारे इस कंटेंट से प्रिपरेशन करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया कि लास्ट डेट हमारा आज के इस फोकस इस वीडियो का जो फोकस था लास्ट डेट आपको याद रखने के लिए याद दिलाने के लिए रिमाइंड करने के लिए और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ये भी बताने के लिए था तो मैं आपको एक बार ही जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर बता दूँ। यहाँ पर मैंने बी एच यू की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन कर रखी है यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है जिससे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बी एच यू रीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022 सेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने स्क्रॉलिंग इफेक्ट में यहाँ पर बता रखा है कि जो लास्ट डेट है ये यहाँ पर आप देख सकते हो थर्टी फर्स्ट ऑफ मई ट्वेंटी यानी आपकी कल ही लास्ट डेट है तो याद रखना है कल जो होता है सर्वर डाउन होता है बहुत से स्टूडेंट एन टाइम पर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको आज ही जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है क्योंकि कल आपकी लास्ट डेट है सो तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते आपको क्लिक टू अप्लाई करना है इस टैब पर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और अगर आप एग्जाम कैटेगरी में हो तो आपको सेकेंड वाले टैब पर क्लिक करना है तो इस तरीके से आपको डेट्स को याद रखनी है जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको प्रोस्पेक्टस ओपन करके बता दू पेज नंबर आपके थर्टी एट पर इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स को बता रखा है जैसे कि यहाँ पर भी इन्होंने बता रखा है थर्टी फर्स्ट ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करने के लिए और एग्जामिनेशन डेट जो है ये है ऑफ जून यानी लेस देन मंथ ही आपके पास रिमेनिंग है और जो आपके एडमिट कार्ड है ये आपके एग्जाम से वन वीक पहले आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है यूजली तो याद रखना है आपको ट्वेंटी फिफ्थ जून ये लास्ट uh, uh, आपकी एग्जामिनेशन डेट है और थर्टी फर्स्ट ऑफ मे ये आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए और जैसे कि मैंने आपको बता दिया एग्जाम का पेपर पैटर्न आप पेज नंबर थर्टी थ्री इस पी में आप पेज नंबर थर्टी थ्री पर आते हैं तो इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न भी आपको बता रखा है टेस्ट ए और टेस्ट बी होता है टेस्ट ए आपको जिसमें हंड्रेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं और टेस्ट भी आपका इंटरव्यू होता है अगर आप टेस्ट ए में थर्टी मार्क्स स्कोर करते हो तभी आप टेस्ट बी के लिए एलिजिबल होते हो टेस्ट ए में आपको सिक्सटी फोर्टी का आपका पेपर डिवाइडेड होता है यानी जो आपके सिक्सटी क्वेश्चन है सिक्सटी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है और जो फोर्टी क्वेश्चन है, है आपके रिसर्च पर आता है और यहाँ पर उन्होंने सिलेबस आपको बता रखा है जो कि बेसिक सिलेबस है और इस इन सारे सिलेबस पर हमारे कंटेंट में हमने वीडियो लेक्चर्स नोट्स मॉक पे सारी चीजें कवर कर रखी है और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल हंड्रेड एमसीक्यूज होंगे थ्री हंड्रेड मार्क्स का आपका पेपर होगा वन ट्वेंटी मिनट्स को आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा हर राइट right क्वेश्चन के लिए आपको तीन मार्क दिया जाएगा अगर आप कोई, -कोई

काफी कम हम फी में आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट नोट्स और रिविजन पीडीएफ जिसके साथ साथ हम प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करते हैं और ये जो सारा कंटेंट है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं बायोलिंग्वल लैंग्वेज में आपका पेपर भी आता है और हम आपको कंटेंट के साथ-साथ गारंटी साथ भी देते हैं कि 35 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे आउट ऑफ 40 तो याद रखिएगा सक्सेस रेट जो हमारा प्रीवियस बैच का सक्सेस रेट था ये 90% था हमारा जो प्रीवियस जो बैच का हमारा जो रिजल्ट था ये 90% आया था सक्सेस रेट हमारा 90% है तो आप फीडबैक देखिए स्टूडेंट्स का रिव्यूज भी आप देख सकते हो हम कोई भी आपको झूठा वादा नहीं करते हैं आप रिव्यूज देख सकते हो और हमारा जो ये कंटेंट है इसके साथ साथ हम गारंटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि 40 में से 35 क्वेश्चंस तो हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछा जाएगा तो आपको जल्द से जल्द को उसको परचेस करना है परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करना है याद रखेगा व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और इस ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी आपके साथ लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारी ऐप की जिससे की आप वन क्लिक में ही ये स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओ सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस